Welcome to the school, student. Now today we are going to discuss our chapter number. Today we are going to discuss about our chapter number 2. Our chapter number 2 is using data entry. In this chapter we are going to discuss about the data entry. How can we do entry? Means how can we communicate with the computer system and how can we enter data. In this chapter we are going to discuss about that. Today we are going to discuss keyboard and keyboard keys. So today we understand only keyboard. So see the video, student. Today we going to continue our unit number 2, data entry and keyboard skill. Our unit name is data entry and keyboard skills. Our chapter number 2, using data entry tool, means data entry करने के लिए हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट थिंग. वी ऑल नीड अ मीडियम टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स टू अदर. मीन्स हम अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चूज करते हैं. द प्रिमिटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग आवर थॉट्स इंक्लूड्स राइटिंग वी यूज, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, converging and much more. But with the advent of the computer system, the medium to communicate has changed. जब हम computer से communicate करते हैं तो हमारा medium क्या हो जाता है, change हो जाता है. Terminologically from writing to typing. Means वहाँ पर क्या terminologically हो जाता है, वहाँ पर हमारी writing या typing के through हम वहाँ पर communicate करते हैं. Now अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक स्मार्ट मशीन है. बट लैक इट्स ओन ब्रेन, इसके पास अपना कोई ब्रेन नहीं होता है. एंड थस वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट बाई द यूजर. जो इंस्ट्रक्शन यूजर प्रोवाइड करता है उसी पर ये वर्क करता है. यू नो ना दैट थिंग, दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन थ्रू सम इनपुट डिवाइसेज टू गेट द डिजायर रिजल्ट एज आउटपुट. दिस प्रोसेस इज नाउन एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इसको क्या बोलते हैं, जब इसको मतलब यूजर के थ्रू कुछ इनपुट दी जाती है और फिर उस पर डाटा एनालिसिस होता है और फिर रिजल्ट निकलता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO? इनपुट प्रोसेस आउटपुट. देर आर मैनी इनपुट डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट सच एज द माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, लाइट पेन एक्सेट्रा. सो मैनी इनपुट डिवाइसेज आर अवेलेबल इन मार्केट बट द मोस्ट कॉमनली यूज इन द इज द कीबोर्ड. सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, कीबोर्ड. सो नाउ फर्स्ट पॉइंट हेयर वी डिस्कस कीबोर्ड एंड कीबोर्डिंग स्किल. मीन्स कीबोर्ड क्या है और कीबोर्डिंग स्किल्स क्या है वो हम रीड करेंगे इस चैप्टर में. कीबोर्ड इज अ बेसिक इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू एंटर डाटा बाई प्रेसिंग कीज. इट हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ कीज फॉर लेटर. जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. क्या हो, वट इज़ द कीबोर्ड, कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस दैट यूज टू एंटर डाटा. वट इज़ यूज एंटर डाटा बाई प्रेसिंग कीज. इट हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ कीज. देखो इसमें बहुत सारी की होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, नंबर्स, करेक्टर्स, फंक्शंस. ओके, क्वेरिटी कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड टू एंटर डाटा. कौन सा कीबोर्ड यूज होता है मोस्ट कॉमनली, क्वेरिटी कीबोर्ड. कंप्यूटर कीबोर्ड आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वो जो हमारी सिंपली टाइपराइटर मशीन होती है उसी के जैसा दिखाई देता है, विद अ सम एडिशनल की. इसके अंदर पर कुछ एडिशनल की होती हैं. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, देखो अभी वैसे हमारी 107, 108 की भी आ चुकी हैं मार्केट में, पर जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड की टोटल की मानी जाती हैं वो 104 कीज होती हैं. इन डेस्कटॉप कंप्यूटर अ कीबोर्ड कम सेपरेटली वेयर एज इन अ लैपटॉप एंड नोटबुक इट इज एम्बेडेड विथ इन द मेन यूनिट. ओके, नाउ वी गोइंग टू रीड टच टाइपिंग. सो वट वी रीड हेयर, टच टाइपिंग इज द मेथड ऑफ टाइपिंग. ये भी क्या है, एक मेथड ऑफ टाइपिंग है विदाउट द यूज ऑफ द सेंस ऑफ साइट. मीन्स जिसके पास आइज नहीं होती हैं उस केस में हम टच टाइपिंग यूज करते हैं. उसमें जो वर्ड होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं और सिंपली बाय फीलिंग द कीबोर्ड और सिंपली उनको फील करके ही प्रेस किया जा सकता है. हाउएवर द सेंस ऑफ टच इज अ लिटल इन्वॉल्व सिंस
दिस टाइपिंग मेथड यूटिलाइज मस्कल मेमोरी थ्रू द रिजर्व्स ट्रेनिंग. ओके, इन दिस वे अ यूजर कैन टाइप ऑन द कीबोर्ड स्पॉन्टेनियसली बाई प्लेसिंग हिज और हर हैंड. मीन्स वो कैसे उनको प्रेस कर सकता है, सिर्फ अपनी हैंड्स को टच करके ही उसको फील करके उसको प्रेस कर सकता है ऑन द कीबोर्ड विद द लुकिंग एट एनी ऑफ द की. इट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग द टाइपिंग स्पीड एंड एलिमिनेट्स एरर. इससे क्या होता है, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज होती है और हमारी जो एरर्स हैं वो हमारी रिमूव हो जाती हैं. टच टाइपिंग सिंपली मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड इट इज अ स्किल वर्थ लर्निंग. ओके, ये एक स्किल वर्थ लर्निंग हमें प्रोवाइड करता है. मीन्स बिना देखे हम सिंपली हमारी डिस्प्ले पे देखेंगे और टाइप करेंगे. ठीक है, नाउ लर्निंग अबाउट द कंप्यूटर कीबोर्ड एंड इट्स लेआउट एनेबल यू टू यूज इट इफेक्टिवली व्हेन यू वर्क ऑन द ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज आर टू एक्सेस. ठीक है, रन प्रोग्राम और used as a shortcuts, they depend upon the application being used. Let us have a look at the keyboard and its key. Means आप इस कीबोर्ड को देखिए और इसकी कीज को देखना है आपने. अब see here, so there are the different types of key in this keyboard, that is our standard keyboard. In this keyboard there is a F से related जो first row होती है हमारी वो functional keys होती है. कौन सी की होती है, फंक्शन की. ए टू जेड जो की होती है हमारी वो अल्फ़ा की होती हैं, अल्फ़ा बेट की होती हैं. और जो हमारी 1, 2 लेके 9 तक जो ऊपर की होती हैं और इनके ऊपर कुछ करेक्टर्स भी होते हैं स्पेशल करेक्टर, उन कीज को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़. और जो हमारी कैप्स लॉक है उसको हम बोलते हैं टॉगल की. जो हमारे ये मार्क्स हैं मतलब जो हम सिंबल यूज करते हैं इनको बोलते हैं पंचुएशन या स्पेशल करेक्टर की. ये हमारी टॉगल्स की होती हैं, ये भी हमारी टॉगल्स की होती हैं. इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक पैड. मतलब हम न्यूमेरिकल डाटा इस पे हमारा हाथ की मूवमेंट इजीली होती है. दैट इज़ आवर टॉगल की इंडिकेटर. ये हमारी टॉगल की इंडिकेटर होता है. ये हमारा स्पेस बार की होती है. स्पेस बार दैट इज़ अ स्पेशल की. स्पेस बार, कैप्स लॉक और विंडो की, दैट आर द सम स्पेशल की इन आवर कीबोर्ड. ओके, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस keys of the keyboard. So one by one we are going to discuss here all keys of the keyboard. Alphanumeric keyboard, that is a 26 key A to Z which are present in our keyboard. Numeric keypad, numeric keypad consists the number key 0 to 9 and arithmetic operator also, direction keys, numlock, insert, delete, enter and decimal points all are our numeric, all are in our numeric keypad. Okay, now that is punctuation key. Punctuation key या special characters key, all of the key associated with the punctuation mark such as the comma, periods, semicolon, brackets, parentheses. Okay, that are the our punctuation or special character key. Next is our function key. Function key F1 to F12, they are 12 function keys in our keyboard. These key are used to perform specific task. ये हमारे keyboard में specific task के लिए use की जाती हैं. Now special keyboard key, special key, these are the some special key keys to provide the additional control over the document. Enter, return, space bar, escape key, print screen, pause, break, insert, tab, delete, window and menu are some special keys. Okay, now navigation key. The navigation key are used to navigate through the document. These include the area, arrow keys. जो navigate key होती हैं वो हमारी arrow keys होती हैं. Home, up, page up, page down and end key. That is our navigation key. Navigation मतलब ये directly page पर move करती हैं. Combination key, these key are the combination key, combination with the key, other key. जो combination key होती हैं वो single ही perform नहीं करती हैं, वो किसी दूसरी key के साथ combination में ही perform करती हैं. जैसे control, alt and shift are known as the
कॉम्बिनेशन की, मीन्स इन चीज़ के साथ हम दूसरा कोई वर्ड या तो कोई भी चीज़ जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, वी यूज़ दैट टाइप ऑफ दीज कीज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टॉगल की. दीज आर यूज टू टर्न द कंप्यूटर फीचर ऑन और ऑफ. द कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रोल लॉक कीज आर द टॉगल की. ईच टॉगल की हैज़ इट्स ओन एलईडी इंडिकेटर ऑन द कीबोर्ड. मीन्स जो भी टॉगल की है उनके पास अपनी एलईडी इंडिकेटर होती है. जैसे हम नम लॉक की है, नम लॉक को, नम लॉक कीपैड को अगर लॉक करना है तो आप वो की प्रेस कर देंगे, वो लाइट इंडिकेट करेगी. ओके, नाउ टुडे